पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। ऋषि कपूर का अंदाज और किसी और का अंदाज। थैंक यू। अब हमारी उम्र हो गई कि अवार्ड के कोई मायने नहीं रखते, अब तो जिंदगी में वो सेमी कॉलन हो जाता है अपने करियर के सेंटेंस। सर गाड़ी जाने दो सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Not with the award, sir, please. Not with the award, why? एक तो मुश्किल से जीता है, उसको बोलते not the award. नहीं भाई एक why would not with the award? It's okay. बताओ ना मैं बाल. It's okay, sir. मैं देखिए style का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं माना जाता, मैं समझता हूँ style क्या अंदाज होता है ना, किस अंदाज में आप बात करते हो, किस अंदाज से आप चलते हो। अब देखिए पुराने ज़माने में हमारे जो अपने फादर के ज़माने जो एक्टर्स थे, दिलीप साहब का एक स्टाइल था, राज कपूर साहब का एक स्टाइल था, देवानंद साहब का एक स्टाइल था, वो एक अंदाज था, तो वो भी तो स्टाइल है। कपड़ों से सिर्फ स्टाइल नहीं होता, अपने आप को जैसे आप प्रोजेक्ट करते वो एक स्टाइल होता है। तो मेरा मानना ये है हम दोनों को इस अवार्ड के लायक सोचा। थैंक यू वो इसलिए क्योंकि इस उम्र में आके हमको एज अ व्हाट टाइम दिस कपल अवार्ड मिल रहा, बहुत खुशी की बात है। सो थैंक यू हिंदुस्तान टाइम, थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। वही मेरे वर्ड्स वही होंगे ना, थोड़ी को अलग थोड़ी होंगे। सर विद ऑल दीस ट्रोल्स, दीस न्यूज हेडलाइंस एंड ऑल दीस ट्वीट्स, हाउ डू यू रिएक्ट टू ऑल दिस? हाउ डू यू टेक? आई डू दैट ऑल फॉर माय सेल्फ, आई डोंट डू इट फॉर यू। मैं अपने लिए करता हूँ, मेरा एक ओपिनियन होता है, मेरा एक देखने का नजरिया होता है और मैं वो लिखता हूँ, और मैं हर बार कोई गलती बात लिख देता हूँ लेकिन वो होती है दिल से, मैं बनाता नहीं हूँ, बस दैट इज इट। अब कोई भारती जैसी भाई कोई क्वेश्चन पूछो ना भाई। No, of course, we really enjoy your tweets. It's just that how do you take all of this happening? I take it with a pinch of salt. ये चीजें you must not take it serious to heart. ये ठीक है, मजे की बातें हैं। You know it's a platform to express your vision, your own thoughts. ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। You're not supposed to take it very seriously. तमारी ऋषि जी साथे गठबंधन सरकार छे ने आप ओ आप लॉर्ड चले में आप अमेरिकन पुलिस वाले बने थे आप लॉर्ड चले में, और इसमें भी आप ऋषि जी के साथ काम कर रहे हैं, मंटो में भी आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कुछ बताएंगे क्या है? बीजेपी से अलायंस है कुछ आपका ऋषि जी का? जब ये पिक्चर शुरू की तब मैं बीजेपी में था नहीं, मेरे मन में बीजेपी थी, मैं बीजेपी में नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं, आई रियली रियली एडमायर हिज क्राफ्ट, क्योंकि अब कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए उस वक्त ही, मैं कहूंगा कि सबसे नेचुरल एक्टर ऋषि जी थे उस वक्त के। अब कोई भी पिक्चर उठाइए, दामिनी हो या कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए आप, तो वी यूज्ड टू रियली एडमायर कि उस टाइम के अंदर भी जब उस किस्म के एक्टर थे उनमें ऋषि जी एक एक्टर है, तो एक और फिर उनके साथ मौका मिला काम करने का आप लौट चले में, तभी भी बहुत मजा आया। आरके बैनर में काम करने का एक अपना गौरव होता है, तो मुझे मिला उसके लिए भी मैं खुशनसीब हूँ। और फिर जब ये आई बात कि ऋषि जी ये मनो डेफिनेटली करेंगे, एक तो क्या होता है कि उम्र में एक मकाम ऐसा आता है कि आपकी जर्नी भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करो, उसका मजा कुछ और होता है, तो ये अहम पॉइंट है। वैसे इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए फिल्म में एक्टिंग करने के लिए, कोई एक्टिंग तो करते ही नहीं है, ये इतने नेचुरल हैं, ये इतने एजिज्म। ही डिड पीकू, ही डिड पिंक, दे ऑल सीनियर सिटीजन, ही प्लेड दैट कैरेक्टर इन दोस फिल्म्स, हाउ कैन से फिल्म्स आर नॉट बीइंग मेड ऑन दैट? नॉट टू मेनी फिल्म्स एक्चुअली, there are not too many, yeah, correct, people, but like Amitabh Bachchan also in the industry. ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे।